इस वक्त इंडिया बोर्ड जो है वो जिसको चाहे बुलाए और जिसको चाहे ना बुलाए, ये हम सब मानते हैं और मानना भी चाहिए, ये जो हकीकत है वो बहुत स्ट्रांग बोर्ड है फाइनेंशियली, और उनकी पॉलिसीज़ बहुत तगड़ी हैं, पैसा बहुत ज़्यादा है, हर कोई खेलना चाहता है इंडिया से। अगर जो नहीं भी खेलना चाहता, उनके पास पैसे की इतनी ताकत है कि उस चीज़ से वो उनको रोक देती है। आईपीएल में आईपीएल वालों का बीसीसीआई का डायरेक्ट कॉन्टैक्ट होता है क्रिकेट बोर्ड्स के साथ, क्योंकि क्रिकेट बोर्ड्स को शेयर मिलता है आप पैसों का, आईपीएल से जो पैसे कमाए जाते हैं, तो क्यों ना वो मतलब प्रायोरिटी देंगे यार आईपीएल। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्पोर्ट मीडिया के एक और नए वीडियो में। दोस्तों, पाकिस्तान के पूर्व बल्लेबाज जो कि बहुत ही धाकड़ बल्लेबाज थे शाहिद आफरीदी, जिन्होंने भी आईपीएल खेल चुका है और उनको आईपीएल के बारे में सारे नियम्स और पैसों के बारे में पता है, उन्होंने खुद खुलासा किया है कि इंडिया के पास इतना पैसा है कि वो किसी भी खिलाड़ी को आईपीएल खेलने पर मजबूर कर देता है। उन्होंने बताया कि आईपीएल खेलने पर हमें भी मजबूर कर दिया गया था क्योंकि इतना पैसा था उनके पास, और उन्होंने यह भी बताया कि बीसीसीआई के पास भी इतना पैसा है कि वो आईसीसी जो कि इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल का जो मालिक है उसको भी बहुत सारे पैसे देती है ताकि उसके खिलाड़ी बाहर न जाएं और अपने रूल और नियम कानून कायदे में बंधे रहें। जो कि पाक मीडिया की बात करें तो पाक मीडिया खुद अपने क्रिकेटरों को लताड़ती है क्योंकि उनके खिलाड़ी बहुत ही बुरी तरह हार रही है। तो दोस्तों, आपको बता दें कि आईपीएल और पीएसएल की तुलना करने वालों को ये वीडियो में बहुत ही करारा जवाब मिला है। तो दोस्तों, वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग बनी है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि हम आप लोगों के लिए ऐसी ऐसी क्रिकेट्स के बारे में हर अपडेट बताते रहें। दोस्तों, वीडियो को पूरा देखिए। हम दूसरे मुल्कों की काफी मदद करते हैं, बट इन कंपैरिजन हमारी मदद के लिए कभी भी कोई मुल्क उठ के नहीं आता। क्रिकेट साउथ अफ्रीका से इंग्लैंड जो है, टीम इंग्लैंड रवाना हो जाती है कोविड की वजह से, ऑस्ट्रेलियन टूर करना होता है साउथ अफ्रीका का, वो कैंसिल कर देते हैं, और पाकिस्तान टीम वहाँ जाती है और साउथ अफ्रीका के लिए खेलती है, क्योंकि इवेंचुअली फाइनेंशियल हालात जो है वो क्रिकेट साउथ अफ्रीका के बेहतर नहीं हो रहे होते। बट अब जब पीएसएल 7 की बात होती है और ये पता चलता है कि नहीं जी, उनकी डोमेस्टिक लीग जो है वो कैंसिल हो गई है, तो एनओसी नहीं मिलती क्रिकेट साउथ अफ्रीका की तरफ से, और ग्राम स्मिथ जो है वो रोक लेते हैं अपने कॉन्ट्रैक्टेड प्लेयर्स को पीएसएल 7 में शिरकत के लिए। देखें सवेरा, आपको रिलेशनशिप बेहतर करना ये चेयरमैन का काम है हर बोर्ड के साथ, इस पर पहले भी मेरी और आपकी बात हुई है। और दूसरी चीज़ ये है कि साउथ अफ्रीका वो टीम नहीं रही जो हुआ करती थी, तो मेरे ख्याल में अगर स्मिथ ने ये डिसीजन लिया है, मे बी ये वहाँ की क्रिकेट की इंटरेस्ट में लिया होगा कि जितने भी क्रिकेटर्स हैं उनको डोमेस्टिक क्रिकेट लाजमी है। लेकिन मैं ये भी नहीं समझ पाया कि जब पाकिस्तान टीम टूर कर रही थी, जब साउथ अफ्रीका में थी, साउथ अफ्रीका से मैचेस चल रहे थे, उनके 2-3-4 प्लेयर तो चले गए थे आईपीएल खेलने, तो उनको वहाँ पे ख्याल नहीं आया। यही तो बात है कि मतलब जब नेशनल इंटरेस्ट की वो बात कर रहे हैं, प्रायोरिटी की बात कर रहे हैं कि नेशनल टीम से खेलना वो प्रायोरिटी है, अंडरस्टूड, वाकई वो प्रायोरिटी है, हम सब इस पे अग्री करते हैं, मगर जब नेशनल टीम खेल रही थी पाकिस्तान के खिलाफ, उस वक्त जब उन्होंने लीग में भेजना प्रेफर किया अपने प्लेयर्स को, क्या ये मैं इसको ये बात समझूं कि क्योंकि जो प्लेयर्स, जिस बोर्ड के प्लेयर्स, जिस मुल्क के प्लेयर्स आईपीएल में शिरकत करते हैं, उस बोर्ड को भी 10% मुआवजा मिलता है, क्या ये एक बहुत स्ट्रॉन्ग वजह हो सकती है? देखिए, नो डाउट इस वक्त इंडिया बोर्ड जो है वो जिसको चाहे बुलाए और जिसको चाहे ना बुलाए, ये हम सब मानते हैं और मानना भी चाहिए, ये जो हकीकत है वो बहुत स्ट्रांग बोर्ड है फाइनेंशियली, और उनकी पॉलिसीज़ बहुत तगड़ी हैं, पैसा बहुत ज़्यादा है, हर कोई खेलना चाहता है इंडिया से। अगर जो नहीं भी खेलना चाहता, उनके पास पैसे की इतनी ताकत है कि उस चीज़ से वो उनको रोक देती है, तो ये हम सबको मानना चाहिए। अब हमारा बोर्ड फाइनेंशियली इतना स्ट्रांग तो नहीं कहूँगा मैं, लेकिन मेरे ख्याल में अगर हम ज़्यादातर कोशिश हमारी यही है कि हम अपनी परफॉर्मेंसेस से और जीत के दुनिया को एक मैसेज दें कि पाकिस्तान जो है वो एक टीम है, और पाकिस्तान जो है हम चाहते हैं कि क्रिकेट पाकिस्तान में आए, तो हमारे पास अलग तरीका है, उनका जो तरीका है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। उनका आप पैसों से, मेरा मतलब है कि हर चीज़ आप ले सकते हैं, ख़रीद सकते हैं, तो मेरे ख्याल में एक जिस तरह की मैं बात कर रहा हूँ सवेरा आपसे पॉलिसी के हवाले से, पहले हम अपने एक दफ़ा पाँव पे खड़े हो जाएं, जब कोई चीज़, कोई मुल्क, कोई सिस्टम एक पाँव पे खड़ा हो जाता है, उसके बाद फिर वो दूसरों को अगर आंखें भी दिखाना चाहे तो दिखा सकता है, लेकिन पहले अपने पाँव पे खड़े होने की ज़रूरत है। ठीक है, नहीं आ रहे, कोई इशू नहीं है, उनके बगैर भी पीएसएल जो है वो बहुत
तगड़ी, यहाँ की क्रिकेट हर प्लेयर मानता है, हर ओवरसीज क्रिकेटर खेलना चाहता है, पीएसएल उनको स्टैंडर्ड का पता है, तो उसको मेंटेन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। क्रिकेट साउथ अफ्रीका ने मना कर दिया अपने प्लेयर्स को पीएसएल में आने से, और चांसेस थे कि क्योंकि साउथ अफ्रीका के प्लेयर्स अवेलेबल थे, आप साउथ अफ्रीका प्लेयर्स आके खेल लेते पीएसएल में तो पीएसएल बेहतर हो जाता सेवन। और ग्राम स्मिथ जो डायरेक्टर क्रिकेट है, उन्होंने कहा कि नहीं जी, आपको पहले डोमेस्टिक क्रिकेट और इंटरनेशनल क्रिकेट देखना पड़ेगा। तो लोग उसका इस चीज़ से कंपैरिजन कर रहे हैं कि भाई आईपीएल में लास्ट ईयर जब आईपीएल हुआ था तो उस वक्त तो पाकिस्तान खेल रहा था साउथ अफ्रीका में, लेकिन दो वनडेज के बाद सारे मेन प्लेयर जैसे क्विंटन डिकॉक, डेविड मिलर और रबाडा, निगेटी नॉर्जे वगैरह जो है वो सब चले गए थे खेलने के लिए आईपीएल के अंदर। तो ये डबल स्टैंडर्ड्स है भाई। बात ये है, सिंपल सी बात है, आईपीएल डिफरेंट इस सेंस में है कि आईपीएल में जो प्लेयर्स आते हैं खेलने के लिए, आईपीएल में आईपीएल वालों का बीसीसीआई का डायरेक्ट कॉन्टैक्ट होता है क्रिकेट बोर्ड्स के साथ, क्योंकि क्रिकेट बोर्ड्स को शेयर मिलता है आप पैसों का, आईपीएल से जो पैसे कमाए जाते हैं, तो क्यों ना वो मतलब प्रायोरिटी देंगे यार आईपीएल को। ये मतलब हम क्यों इस चीज़ को भूल जाते हैं कि जहाँ इकोनॉमिकली जो फ़ायदा हो रहा है वो कंट्री उसी चीज़ के पीछे जाती है यार, वो क्रिकेट बोर्ड उसी पीछे जाएगा। तो जिस दिन पीएसएल में पैसा आएगा सारे प्लेयर्स आगे खेलेंगे, अभी इतना पैसा नहीं है तो ज़्यादा से ज़्यादा प्लेयर्स नहीं आ रहे, इस दफ़ा बहुत कम हाई प्रोफाइल प्लेयर्स अवेलेबल है पीएसएल के लिए, बट पीएसएल हैज़ टू गो ऑन, दे हैव टू फाइंड अ वे, पीसीबी हैज़ टू फाइंड अ वे टू मतलब जनरेट मोर फंड्स फ्रॉम द पीएसएल, क्योंकि जब फंड्स होंगे ज़्यादा जब फ्रेंचाइजेस प्रॉफिट्स में जाएंगे फ्रेंचाइजेस, तो फिर ऑटोमेटिकली पैसा होगा तो प्लेयर्स आएंगे। लेकिन फॉर हेवन सेक डोंट कॉल इट डबल स्टैंडर्ड, इसलिए क्योंकि साउथ अफ्रीका हैज़ एवरी राइट टू लुक आफ्टर इट्स ओन इंटरेस्ट, और उनका इंटरेस्ट यही है, उनके प्लेयर्स का भी इंटरेस्ट यही है कि यार उनको आईपीएल में ज़्यादा पैसे मिलते हैं, ज़्यादा उनको क्या इसको बोलते हैं इट्स अ बिगर टूर्नामेंट, तो दे हैव नो इश्यूज, प्लस बोर्ड्स को भी पैसा मिल रहा है। लोगों को एक और मिसकंसेप्शन है, हर जगह बात करते हैं कि जी इंडिया का फाइनेंशियल जो है वो आईसीसी को बड़ा, इंडिया जो है वो पैसे देता है जिसकी वजह से डोमिनेट होता है आईसीसी। वो आईसीसी के जो फुल मेंबर की फी है 8 साल की, वो $2.15 बिलियन है टोटल 8 साल की, जिसमें से $1.2 बिलियन इंडिया से आता है। पहले अब इंडिया को आईसीसी $570 मिलियन देता था डॉलर 8 साल के, अब देता है $293 मिलियन। इंग्लैंड को मिलते हैं $143 मिलियन, बाकी 6 टीमों को मिलता है $132 मिलियन ईच, और आयरलैंड, अफगानिस्तान और जिम्बाब्वे को मिलता है $94 मिलियन ईच। यार 8 साल में तो ये पीनट्स है। अब मैं आपको मैं एक और रुख दिखाता हूँ, जो 2015 से 2023 के 8 साल के आईसीसी के ब्रॉडकास्ट राइट थे आईसीसी के वर्ल्ड गेम के, वो $2.2 बिलियन के थे, और अभी क्योंकि 12 टूर्नामेंट कर दिए 2023 से 2031 तक, तो जो एवेल्युएट किया जा रहा है वो किया जा रहा है $3 से $3.5 बिलियन के राइट हो जाएंगे या $4 बिलियन। ठीक है, अब जरा फिगर रखिएगा, इंडिया के 2018 से 2023 के इंडियन क्रिकेट के बीसीसीआई ब्रॉडकास्ट ग्लोबल राइट्स $1.1 बिलियन के थे, सिर्फ $1.1 बिलियन। अब ये जेन में फिगर रखें, अब आए आप जरा इंडियन प्रीमियर लीग में, 2019 में इसका जो ब्रांड वैल्यू थी वो थी $6.9 बिलियन, 3.6% ये कम हुई बिकॉज ऑफ कोविड, ये आ गई $6.1 बिलियन पे, और इसके जो ब्रॉडकास्ट राइट थे वो थे $2.2 बिलियन। अब 2023 में जो अगले 5 साल के राइट्स आएंगे 2023 से 2028 तक, आईपीएल दो टीमें ऐड करने जा रहे हैं, तो ब्रांड वैल्यू में $1.5 बिलियन डालें तो $9 बिलियन ब्रांड वैल्यू हो जाएगी, और $6 बिलियन के सिर्फ आईपीएल के राइट्स होंगे, यानी बीसीसीआई एंड ऑल बोर्ड्स और आईसीसी राइट्स वो एक तरफ, आईपीएल एक तरफ। सो ये बोर्ड जो घबराते हैं वो बीसीसीआई से नहीं घबराते, इट हैज बिकम अ फाइनेंशियल स्पिनिंग मशीन, और ये जो इकोनॉमी है ये आपकी टेस्ट क्रिकेट एक फार्स रह गई है, ये जो टेस्ट चैंपियनशिप शुरू की है ये कोई सस्टेन नहीं होने वाली, क्योंकि जब 90 मैच आईपीएल के होंगे 90 मैचेस, तो इसका मतलब 2.5 से 3.5 महीने की विंडो तो गई, और अगर 6 बिलियन